वेलकम टू साइट्स एंड साउंड्स ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं कराची की मशहूर सोसाइटी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में। ये देखिए, यहाँ सीख कबाब बन रहे हैं। क्यों, मुंह में पानी आया ना? चलिए तो फिर हम आपको एक और ऐसी जगह लेकर चलते हैं जिसे देखने के बाद आप उसे खाने की ख्वाहिश ज़रूर करेंगे। क्या समझे? सिजलर्स? KFC? अरे नहीं भाई, आज हम आपको सैर कराएंगे कराची के अपने लोकल KFC की। जी हाँ, अंडे वाला बन कबाब। भाई सारी दुनिया एक तरफ और अंडे वाला बन कबाब एक तरफ। भाई अगर आप कराची में मौजूद हैं और आपने पठान के हाथ की चाय ना पी, वीकेंड पे बोर्ड बेसन की हलवा पूरी ना खाई, जावेद की निहारी भी मिस कर दी, और मदनी की बिरयानी वो भी छोड़ दी, और अंडे वाला बन कबाब, मतलब ये तो फिर अगर आपने ये सब चीज़ें ना खाई तो ये तो फिर वही बात हुई ना कि आप पेरिस की सैर को गए और आईफल टावर देखे बगैर ही वापस लौट आए। भई अब हमारे इतने बड़े शहर का एक फूड स्ट्रीट से तो काम चलने नहीं वाला था, तो जहाँ हमारे पास बंस रोड, दो दरिया और पोर्ट ग्रैंड जैसी बड़े बड़े फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर एक डोरा जी भी है। अगर वहाँ की स्पेशल डिश भी आपने मिस कर दी कराची आने के बाद, तो फिर तो आपने कराची की शान में वाकई गुस्ताखी कर दी। भई कराची जहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, वहाँ पर कराची की गर्मी भी किसी से पीछे नहीं है, और इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही आला हथियार है। पहचान गए? नहीं तो चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। जी हाँ, ये है दोरा जी का स्पेशल गोला गंडा। चलिए आइए देखते हैं कि ये बनता किस तरह है। गोले गंडे के अलावा बन कबाब, काठियावाड़ी छोले, गोलगप्पे और इस तरह के बहुत से खाने मिलते हैं जिनको खाने के बाद ना आप उंगलियां चाटे बगैर नहीं रह सकेंगे।
खाने की चीज़ें देख के मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ खाना खाने। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। अरे नहीं भाई, कराची बंद नहीं हो रहा, लेकिन हमारे फिल्मिंग की टाइमिंग्स ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि कराची की फूड स्ट्रीट्स को एक दिन में और एक वीडियो में समोना नामुमकिन बात है। इसके लिए आपको कराची खुद आना पड़ेगा।